सर एक सवाल ये भी है कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम जो है उसका नाम अब बदलकर प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल म्यूजियम हो गया है, हालांकि उसको लेकर भी विपक्ष का कटाक्ष सामने आ रहा है। जयराम रमेश ने कहा है कि नेहरू की विरासत को मिटाने की जिस तरीके से कोशिश की जा रही है शुद्ध मानसिकता है इस तरीके का, एन की जगह पी को पी आ जाना और देश नहीं भूलेगा स्वतंत्रता में किस तरीके से योगदान दिया है देश को स्वतंत्रता दिलाने में, इस तरीके की बातें जो निकलकर सामने आ रही है नाम बदलने पर। देखिए मैं इसमें यही बात कह सकता हूं कि ये देश सबका है और ये देश किसी व्यक्ति के माध्यम से नहीं, ये देश एक व्यवस्था और एक संस्था के माध्यम से। रियासतों का दौर अब इस देश में नहीं रहा, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा जनता सम्मिलित होती है। तो जनता यानी संस्था, जिसको हम ये कहें कि उसका संस्थागत विकास कैसे हो, तो संस्थागत विकास के दृष्टि से प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं है, मंत्री एक संस्था है और प्रधानमंत्री म्यूजियम के नाते उसको नामांकित सारे प्रधानमंत्रियों को जिन्होंने इस देश की सेवा की है सबके लिए समर्पित किया है।